सर आप मुझे 10 लाख सैलरी और 1 करोड़ कमीशन की ऑफर देकर देखिए, मैं उसे भी ठुकरा दूंगा। और आप ही नहीं, कोई भी मेरी वफादारी खरीदने की कोशिश करेगा तो मेरा यही जवाब होगा। अखियां नु तेरी दीद दी बना चाहिए। आपका सीवी बहुत इंप्रेसिव है, हमें आप जैसे मेहनती और काबिल मैनेजर की जरूरत है। सर ये तो सिर्फ मेरी डिग्री है, दर हकीकत मेरी स्पेशलिटी भी यही है, और आपकी कंपनी में एक पॉजिटिव इजाफा महसूस करेंगे आप मुझे, अगर मुझे सेलेक्ट किया तो। क्यों नहीं, इसीलिए तो आपको बुलाया, आप हमारे साथ ज्वाइन करके अच्छा फील करेंगे। क्यों नहीं सर, आपके सीवी में एसएन ग्रुप ऑफ कंपनीज का भी नाम लिखा हुआ है। कितने अर्सा काम किया और कैसा तजुर्बा रहा आपका वहाँ पर, और छोड़ा क्यों? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, आप जानते ही हैं कि हयात इंडस्ट्रीज का बहुत नाम है, मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने गालिबन वहाँ पे 6 महीने काम किया, छोड़ने की वजह मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो मेरा एक पर्सनल मैटर है। इट्स ओके फाइन, कोई मसला नहीं। अच्छा आपको मैं इस जॉब के अट्रैक्शंस बताता हूँ। वीकली 2 ऑफ आपको मिलेंगी, इसके साथ साथ एनुअल लीव्स हैं, साल के 4 बोनस मिलेंगे आपको, और शोफर ड्रिवन कार, और स्टार्टिंग सैलरी 3 लाख रुपए। चूँकि आप ऐसे नयात के साथ काम कर चुके हैं, अगर आप उसके बिजनेस सीक्रेट्स हमारे साथ शेयर करेंगे तो आपको 50 लाख रुपए तक का कमीशन भी मिल सकता है। ये क्या कह रहे हैं सर आप, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। अब तो आप ऐसे नयात के मुलाजिम नहीं, अब तो आपकी सारी वफादारी हमारी कंपनी के साथ होनी चाहिए। सर मैं समझता हूँ कि जिस मेहनत और ईमानदारी से मैं आपके पास जॉब करूँगा, वैसे ही मैंने वहाँ जॉब की थी, और वो आपके कंपेटिटर होंगे लेकिन मेरे नहीं, मेरे बॉस थे वो, मैं अब भी उनका बहुत एहतराम करता हूँ, आपका भी करता अगर आप मेरे बॉस बन जाते तो। देख लीजिए आप बहुत बड़ी ऑफर ठुकरा रहे हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, नथिंग इज न्यू। सर आप मुझे 10 लाख सैलरी और 1 करोड़ कमीशन की ऑफर देकर देखिए, मैं उसे भी ठुकरा दूंगा। और आप ही नहीं, कोई भी मेरी वफादारी खरीदने की कोशिश करेगा तो मेरा यही जवाब होगा। खुदा हाफिज़।